दिस इज सुसाइड पॉइंट। अबे फेसबुक पर सो आके यहाँ एंजॉय करो, सुसाइड ना करो। कहीं भी जाना होता है देखो बैग इसका अलग से तैयार रहेगा। देख क्या ठूस ठूस के इसको हमने खाली करके देखा, इसमें लिपस्टिक वगैरह रखे थे। चलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको लेके जाएंगे कसौली की गलियों में ट्रैक करते हुए, ऐसे वाली गलियों में ट्रैक करते हुए, और वहाँ पर दिखाएंगे मौसम कैसा है और हनुमान जी के मंदिर भी चलेंगे। तो आज फिलहाल हम तीन हैं और ये हमारे साथ हैवी ड्राइवर है। इनको पहाड़ों में नहीं ले जाएंगे, मतलब ड्राइव करते हुए देखते हैं और वहाँ पर सारा कुछ दिखाएंगे आपको कि पार्किंग क्या कुछ है। ये गाने चला के बोर कर रही थी तो मैंने सोचा कि जहाज बना लो। कितना मस्त बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हो कसौली तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर है। राइट पागल यही हो गया। राइट रीना को चुप करने का तरीका। कैमरा रख दो इसके मुंह पे। अब बोल। ये रीना फर्स्ट टाइम टोल से निकालती है। रीना फास्टैग स्कैन करना कैसे करेगी? फर्स्ट टाइम नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा बोली रीना, बोली दोबारा बोलो। सेकंड टाइम है। ये हमारा फास्टैग जेब में रख के फिरते हैं हम। और ये लोग जा ही नहीं रहे हैं। इसको यहाँ रख देंगे, स्कैन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल में जस्ट एंटर करने से पहले ही स्पीड का नाका मिलता है, तो प्रिपेयर रहना। तो फ्रेंड्स, एंटर पे आपको हिमाचल का टैक्स देना पड़ेगा, वापसी में कोई टैक्स नहीं है, तो चुंगी टाइप कर सकते हैं। तो कैश जरूर लेके आना, ऑनलाइन ही चलता है। गूगल पे वगैरह चल सकता है लेकिन फास्टैग नहीं चलेगा। तो ये है इसकी एंट्री, इसकी वजह से इतना लंबा जाम लगा हुआ था। कितने की है? 50 रुपये। तो गाइस 50 रुपये की है, लूट में चला गया। तो हमें वापस जाना पड़ रहा है। इसको गोवा को भूख लगी है तो मैकडोनल्ड जाएंगे। तो यहाँ से हम यूटर्न लेंगे और वापस शिमला की तरफ मुड़ेंगे। ये क्या? आपने ऐसा नहीं करना, रास्ते में मिल जाएगा वो मैकडी। इधर ये जाते हुए कोस्टा कॉफी भी है, इधर से लेफ्ट लेना है। यहाँ पर टिम्बर ट्रेल भी है, रेट कम होगा शायद। चलती भी है। झरना दिखता है ना। इतना झरना। मैं तो उम्मीद हाई करके आया था। अरे तो वो देख, इधर से देख। कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं क्या करूँ? हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था मैं तो। गर्मी तो नहीं है, देख ठंडा मौसम है। ठंडा लगने लग गया, एकदम से मौसम ठंडा लगने लग गया। वो एसी था ना अंदर। हाय हाय ठंडी हवा। हाँ ये कट आ गया। कसौली के लिए आगे से लैपट ये धर्मपुर आ गया, वहाँ से कसौली का कटन। इससे अगला भी एक कट है, वो भी कसौली को जाता है। हाँ दो कट, बंदा उड़ जाता भी बीच में ऐसे ही खड़ा था। अब यहाँ से सिंगल रोड है पूरा एंड तक। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। हाँ अगर हिल स्टेशन में ड्राइविंग आती हो तो ही आना। हाँ वरना रीना जैसे हैवी ड्राइवर को हायर कर। हैवी ड्राइवर्स नॉट अलाउड एयर। असुविधा के लिए खेद है। गढ़खल, गढ़खल एक बाजार आता है कसौली से पहले, तो उस बाजार से आपको लेफ्ट लेना है। वहाँ से 3 किलोमीटर आ जाएगा कसौली। काफ़ी ज़्यादा टाइट रोड हो जाता है इधर। यहाँ तक मुझे भी ऐसे ही नहीं, ये बाजार करके यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ से जो राइट साइड को जा रहा है वो ये वो वाला कट है जो सेकंड लेफ्ट बताया था ना मेन, जो धर्मपुर से के बाद आता है। ये क्यों रोक रहा है बीच में? डेड लॉक, दिस इज कॉल्ड डेड लॉक। मैं क्या इसने बीच में पार्किंग लगानी है? दिल्ली वाले ना कहीं भी लगा सकते हैं। काफी महंगी पार्किंग है, 130 रुपए की। और जो पीछे टैक्स दिया था हिमाचल का वो ग्रीन टैक्स होता है। तो हम कसौली पहुंच गए और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट हनुमान जी का मंदिर है मंकी पॉइंट। और इसके पीछे मैं स्टोरी बता देता हूँ कि जब लक्ष्मण जी को कुछ हुआ था, क्या हुआ था? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी मेघनाथ की, मेघनाथ ने जब शक्ति मारी थी तो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके गए थे वो हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर गए और इस पहाड़ के ऊपर उन्होंने पैर रखा था संजीवनी बूटी ले जाते वक्त, तो उस पहाड़ की चोटी पर ही मंदिर बना हुआ है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। और ये भाई साहब को पता नहीं कहाँ जाना है। चलो देखा हमारे सामने सब साइड हो जाते हैं। काफी दूर है वैसे, जनरली आपको नहीं जाने दिया जाएगा गाड़ी लेके। हमारे पास टोपी है पर हमारे पास किस्मत के साथ साथ दबाव भी था हमारा तो हमें ले जाने दिया जा रहा है, नहीं तो आपको टैक्सी करवानी पड़ती है या फिर पैदल जाओ 3 किलोमीटर। हाँ लोकल मतलब वही शिमला वाला सिस्टम है, वहाँ भी जाखू के लिए टैक्सी अलाउ है। हाँ तो उसी टाइप से अभी हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए ये आ रही टैक्सी हिमाचल प्रदेश की, ये इसकी टाइमिंग है। अच्छा पास लेना पड़ता है एंट्री के लिए, 9:30 एंट्री करवानी पड़ती है ना। तो फ्रेंड्स आगे जाके हमारा मोबाइल सबमिट हो जाएगा तो मैं आपको मंदिर नहीं दिखा पाऊँगा, फिर भी ये है इमेज। सिक्योरिटी कंसर्न करके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो यहीं डिपॉजिट हो जाएगा और एंट्री पास मिलेगा अलग से। आईडी कार्ड आपके होना चाहिए अगर आपको पास चाहिए तो, ये रिमेंबर रखना। तो ऐसा पास मिलेगा आपको अंदर जाने के लिए। रियान दिखाइए इधर, ऐसा ये देखना फोन्स कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ, आप जाके जरूर देखना अगर कसौली आए हो तो। लेकिन वहाँ की कुछ टाइमिंग है तो कोशिश करना कि 5 बजे से पहले आप एंट्री कर लो। और अभी हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं। वहाँ एक सुसाइड पॉइंट है जिसको मतलब 2 पॉइंट है वहाँ पर, एक सनसेट पॉइंट एक सुसाइड पॉइंट। तो वहाँ जाके ट्रैकिंग का देखते हैं अगर ओपन हुआ तो। वहाँ पर भी टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस है। तो गाइस चलते हैं और शाम को आपको दिखाएंगे यहाँ का माल रोड। माल रोड भी बड़ा अच्छा है शिमला जैसा। तो फ्रेंड्स ये है पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग है, 3 फ्लोर है तो पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। ये है मार्केट, अभी हम जाएंगे सुसाइड पॉइंट। सुसाइड पॉइंट, सनसेट पॉइंट। हाँ तू कितनी थकी है? बिल्कुल भी नहीं। ओके तभी तूने वहाँ जोश दिखाया उल्टिया करके। मैंने कब करी? जाते हुए। ये थकेगी कैसे भाई, पेट तो खाली कर लिया इसने सारा। हाँ तो अब तो नहीं करेगी उल्टी? अब सोसाइटी उल्टी करी ही नहीं थी। अभी सोसाइटी देखो, अभी पानी की बोतल साथ में लाई है कि उल्टी, क्योंकि पानी से मुझे प्यार है, क्योंकि उल्टी करने के बाद मुंह धोने का काम आता है पानी। मेरी मर्जी देख। I love my country. मैं इंग्लिश में बात करूँ। India is my country. All Indians are. हिंदी में याद है तेरे को शपथ, बस इंग्लिश में ही है। हिंदी में भी होती है। इंग्लिश होती है तो फ्रेंड्स अभी के लिए हमारी एनर्जी ड्रिंक है लिम्का, और इसकी पल्प पल्प ऑरेंज। जो कभी ड्रिंक नहीं करती उसको ये ड्रिंक पसंद। लड़कियां ज्यादातर मैच करती हैं, देखो उसकी ड्रेस के साथ मैच हो रही है उसकी। अगर गलती से वो आ रही थी तभी इसने संतरे की वो लिया। मैं कोई ड्रिंक नहीं पीती पहली बार। तो ये है सनसेट पॉइंट। अभी हम आगे सुसाइड पॉइंट जा रहे हैं, जब तक हम आएंगे सन सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब उस ट्रैक पे चलते आओगे आपको राइट लेना है और इस ट्रैक पे आना है। अगर आपको सुसाइड पॉइंट देखना है तो यहाँ से इस ट्रैक पे चलना है, और मैं फास्ट में भाग के जाऊँगा, उनको पकड़ूंगा। गेंद्र यहाँ कोक है, लेकिन अब हमारे हाथ में दूसरी कोक है। गाइस ये सोच रही है मैं इसकी फोटो खींचूंगा। वाओ कूल ब्रीज। ये ट्रैकिंग चलोगी चलिए, थोड़ा सुसाइड करने का टाइम आ गया है। तो गाइस दूर दूर तक कोई नहीं है, ये भी लगता है हम किडनैप होने वाले हैं। वो देखो सामने भी कुछ नहीं। जब दूर दूर तक कोई है ही नहीं तो किडनैप कौन करेगा? ये बता रही ना, तभी तो कोई भी कर सकता है। मेरे सर पे ओ पत्थर फेंकने के चक्कर में तू खुद ना फेंक जियो। बढ़िया है, कल एक फेंकेगा ये निशाना लगाएगी, नहीं लगेगा तक नहीं लगानी, वो मैंने आवाज निकाली थी। तो फ्रेंड्स सुसाइड पॉइंट आने वाला है, व्यू देखो कितना अच्छा है, मजेदार व्यू। इन वादियों में टकरा गए हम, हमसे मुसाफिर कहीं तो नहीं। थोड़ा सा इधर जाओ जैसे ये सनलाइट नहीं आना चाहिए, यहाँ आएगा ना यार, नहीं यहाँ से लो ना तो नहीं आएगा ना, वो तो आगे उल्टी यार वो यार निकलेंगे तो देख लो। भाई सारे राइट की तरफ देखो, दिस इज सुसाइड पॉइंट। अबे फेसबुक पर सो आके यहाँ एंजॉय करो, सुसाइड ना करो, केयरफुली आना। ऐसा रास्ता है देखो, ये तो फ्रेंड्स अभी हम वापस आ रहे हैं और माल रोड दिखाएंगे आपको, और कौन सा रोड है मतलब नहीं वो सनसेट भी दिखाएंगे, हेरिटेज, हाँ हेरिटेज मार्केट। वो टावर दिख रहा है ना, ये टावर चंडीगढ़ से भी दिखता है, कसौली में पड़ता है, दूर दर्शन का टावर है, दूर से दर्शन करो। ये आ गया सनसेट पॉइंट। तो यहाँ वॉशरूम्स वगैरह भी है, आप ट्रैक पे तो नहीं कर सकते, तो यहाँ कर सकते झूले वगैरह। बाद में फोटो देखो कमरे की कैसी वो रूटो वाले थे, जब बुक कर लिया निकल होने वाला तो ये था सनसेट पॉइंट एंड यू आर ऑन 6100 फीट। चलो ये स्टैचू बना हुआ है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद थे हमारे हॉकी के जादूगर। तीन गोल्ड दिलवाए थे ध्यानचंद ने इंडिया को। हेरिटेज मार्केट कसौली, देखते हैं क्या कुछ है हेरिटेज में। यो मैन, खाना पीना खाएंगे, मौजे करेंगे। इन वादियों में टकरा गए हम। भाई साहब टांगे लटकी हुई। देखो यहाँ का फेमस है समोसा बर्गर, किसी से भी पूछ लो सबको पता है। उससे मैंने पूछा, उसने बोला कि चार दुकानें छोड़ के 1 2 3 4। सो गाइस ये है शायद दुकान, पूछ के बच्चों को बताता है बन समोसा। स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं, मिलिट्री स्टेशन कसौली का। भाई ये दूसरी मार्केट है यहाँ की कसौली की, मेन उस पर चर्च के सामने। अब हम जा रहे हैं चर्च में, इंग्लैंड चर्च। ये अंग्रेजों के ज़माने की चर्च है, 1884 है या 1984 है, हाँ। अंदर मोबाइल की फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से देख लो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, कमेंट करके बताओ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।